एक नदी के किनारे एक किसान का खेत था। उस किसान ने अपने खेत में नीम का पौधा और आम का पौधा दोनों ही लगाया था। वो किसान रोज ही आम के पौधे में पानी डालता और उसकी खूब अच्छे से देखभाल करता, जबकि नीम के पौधे में वो इतना ध्यान नहीं देता। ये देख के आम के पौधे को घमंड हो गया कि किसान सबसे ज़्यादा देखभाल उसकी ही करता है और आम का पौधा अपने ही घमंड में रहता। कुछ समय बाद जब दोनों पेड़ बड़े हो गए तो दोनों में अच्छे पत्ते और फल आने लगे। आम के पेड़ में मीठे फल और नीम के पेड़ में कड़वे फल आने लगे। सब लोग आम के पेड़ के फल खाते और मस्त रहते। ये देख के आम के पेड़ को और भी घमंड हो गया कि सब लोग उससे आकर्षित होते हैं, और उसने नीम के पेड़ से बात करना बंद कर दिया। एक दिन नीम के पेड़ ने कहा, क्यों आम जी, अभी आप मुझसे पहले जैसे बात नहीं करते? आम के पेड़ ने कहा, मैं तुमसे क्या बात करूं? बोलो, हम दोनों में कितना फर्क है। मैं लोगों को मीठे फल देता हूं, जबकि तुम कड़वे। इस पे नीम के पेड़ ने कहा कि अपने मीठे फलों में इतना घमंड मत करो। माना कि तुम लोगों को मीठे फल देते हो, पर मेरे बीजों में भी औषधि गुण है। मैं भी तुम जैसे घमंडी से बात नहीं करना चाहता। ये दोनों के झगड़े देख के नारियल का पेड़ परेशान हो गया। उसने कहा, चुप करो, क्यों इतना झगड़ रहे हो? आम के पेड़ ने कहा, अरे नारियल जी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप ही बताओ कि हम दोनों में से कौन महान है? नारियल के पेड़ ने कहा, अरे मूर्खो, हम सभी पेड़ों में कुछ गुण अवश्य होते हैं, तो इसमें क्या फैसला करना कि कौन महान है? नहीं, पर मुझे लगता है मैं सबसे महान हूँ, क्योंकि मैं मीठे फल देता हूँ। नारियल के पेड़ ने कहा, नहीं, मुझे लगता है कि नीम का पेड़ ज़्यादा महान है। आम के पेड़ ने कहा, क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? नारियल के पेड़ ने कहा, देखो, तुम मीठे फल अवश्य देते हो, पर नीम के बीज में औषधि गुण है जो लोगों की बीमारियां दूर करता है, इसलिए नीम का पेड़ महान है। आम के पेड़ ने कहा, नहीं, मैं नहीं मानता। कोई प्रमाण है, कोई सबूत है तो बताओ। ठीक है, वक्त आने पे तुम्हें वो भी पता चल जाएगा। बहुत समय बीतने के बाद आम के पेड़ में दीमक लग गए। उसके जड़ों में दीमक इतने फैल गए थे कि उसके पत्ते झड़ने लगे और आम भी अभी नहीं आ रहे थे। ऐसे में आम का पेड़ बहुत ही उदास और घबराने लगा। ये देख के किसान ने आम के पेड़ में नीम के बीज बो दिए। जब नीम के बीज बोए गए तो कुछ समय बाद आम का पेड़ फिर से फलने फूलने लगा। ये देख के आम का पेड़ बहुत ही खुश हो गया। तभी उसको नारियल के पेड़ की बात याद आई कि नीम के बीजों में औषधि गुण होते हैं। ये देख के वो सोचने लगा कि हाँ, नीम का पेड़ मुझसे भी ज़्यादा महान है। वो शर्मिंदा होने लगा और उसने माफ़ी मांगी कि नीम का पेड़ ज़्यादा महान है, ज़रूरत आने पे उसकी मदद से ही वो फिर से फलने फूलने लगा और फिर दोनों में अच्छी दोस्ती होने लगी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें घमंडी नहीं रहना चाहिए और हमें सबकी मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।